प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके e-learning हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग तीसरी कक्षा के रिमझिम तीन का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा भाग दो करेंगे। यानी कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने भाग एक किया था, जिसमें मैंने बताया था शब्दार्थ यानी कुछ शब्दों के अर्थ, और दूसरा नंबर था प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, आज तीसरा नंबर है, इसमें क्या करना है हमें, देखिए सही कथन पर सही, ठीक है, और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है, आपको अगर लगे वाक्य गलत है तो वहाँ गलत का निशान, और अगर आपको लगे वाक्य सही है तो वहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कौ क्या है। बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहती थी, हमने कहानी में क्या पढ़ा था, बूढ़ी अम्मा क्या कैसे रहती थी, बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी, वो किसी के साथ नहीं रहती थी। तो क्या होगा, यह वाक्य गलत होगा, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ख, आसमान अम्मा को रोज तंग करता था। हमने कहानी में जो पढ़ा है उसके अनुसार हमें टिक करना है। ठीक है, तो क्या होगा, आसमान अम्मा को रोज तंग करता था। हाँ, आसमान अम्मा को रोज ही परेशान करता था, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ग देखिए, एक दिन अम्मा ने आसमान को थप्पड़ दे मारा। एक दिन अम्मा ने आसमान को थप्पड़ दे मारा, नहीं किससे मारा था, झाड़ू से, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए घ, आसमान ने अम्मा की झाड़ू ऊपर से पकड़ ली। आसमान ने क्या किया, अम्मा की झाड़ू ऊपर से पकड़ ली, कहानी में हमने यही पढ़ा था। हाँ, यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान होगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम अंगा नंबर, अम्मा झाड़ू सहित सूरज पर रह गई। अम्मा झाड़ू सहित सूरज पर रह गई, नहीं अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई थी, इसलिए यह वाक्य गलत है बच्चों, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ही तक, अगली कक्षा में हम लोग एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।